वक्त आ गया फन सेगमेंट का। आई एम गोइंग टू आस्क हर, आपको तो पता है, डिफरेंट फन क्वेश्चंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपके साथ जो हमारे आज कर्टेसी पार्टनर हैं, जो हमारे गेस्ट के गिव अवेज के, वो जिम आर्मर है। और ये आपके साथ जो है एक बड़ा जबरदस्त सा जिम आर्मर का गिव अवे जाएगा, बट इसको यू हैव टू अर्न दिस गिव अवे। और ये एक्टिव वेयर जो है ये आप पहने, और मॉडल्स की तो वैसे भी कहते हैं कि जिम शिम और फिटनेस जो है वो फॉर अटमोस्ट प्योरिटी है, तो कीपिंग इन माइंड हमने इसी तरह का गिव अवे आपके लिए अरेंज किया हुआ। सो द फर्स्ट सेगमेंट इज आई एम गोइंग टू आस्क यू, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस, और आपने इनको गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज देनी है। आपको जो भी लगता है कि इनका टैलेंट है या जिस तरह के भी हैं, किस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बन सकते हैं। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज फवाद खान। अच्छा, ये मेरे साथ मुज़ाकरात में भी पूछा गया था। एक और शो का नाम इन्होंने एक और शो में ले लिया है, कमाल होगी, कोई बात नहीं। फवाद खान, यस, ये पॉलिटिशियन है? नहीं नहीं, फवाद खान द एक्टर। अच्छा, एक्टर, एक्टर, ओके। वो तो बेचारा साइंस वाला है ना आजकल तो। अच्छा, वैसे पर्सनली उनकी साइंस गुम हो गई है। पर्सनली फवाद खान पसंद है पाकिस्तानी एक्टर्स में। मैंने ये नहीं पूछा था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनको मिनिस्ट्री कौन सी दे रही है। अच्छा, उनको हम पीएम बना सकते हैं। पीएम, यस, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। हमारा हैंडसम प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए। तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होने के लिए हैंडसम होना जरूरी है। इमरान खान मेरे लिए हैंडसम होना हर चीज में जरूरी है। हाँ, आपने इसी वजह से खान को वोट डाला था? यस। आप अभी भी खान को इसी वजह से वोट डालेंगी? इंशाल्लाह। सो कोई भी बंदा जो एक्टर मॉडल है वो अच्छा जो है वो पीएम पाकिस्तान का बन सकता है, क्योंकि खूबसूरती जो है वो अटमोस। अच्छा, मेरे लिए खूबसूरती, आपकी नहीं खूबसूरती है। तो अगर पीएमएलएन वाले इनसे वोट डाला जाता है तो इनके इलाके का कैंडिडेट थोड़ा सोना जा मुंडा खड़ा करें, या इनको एटलीस्ट ये बताएं कि सोना लड़का है तो भी ये उसको डालेंगी। सो आपको लगता है कि फवाद खान जो है प्राइम मिनिस्टर अच्छे बन सकते हैं? कभी कभी नजर आया करेंगे, जैसे हम फिल्मों में कभी कभी नजर आते हैं, तो कभी कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया करेंगे, कभी कभी वो जो है वो नजर आ जाया करेंगे। लेकिन हम दूसरी ऑप्शन भी रख सकते हैं, मतलब उनके लिए नहीं नहीं, उनके अलावा नहीं, उनके अलावा वहाज खान भी अच्छे बन सकते हैं। वहाज, यस, खान तो नहीं है वो, वहाज अली, वहाज, वहाज है, वहाज तेरे बिन वाला, तेरे बिन वाला वहाज जो है, वहाज इज अ वेरी डियर फ्रेंड। तो वहाज अगर तुम सुन रहे हो तो मिनाहिल को तुम बहुत खूबसूरत लगते हो, और तुम इतने खूबसूरत लगते हो कि तुम प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो। सो वेरी नाइस, अब ऑक्सीजन से निकल के तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच सकते हो। हानिया आमिर को क्या बनाएंगे, क्या मिनिस्ट्री देंगे? हानिया आमिर तो मतलब वो क्यूट वाले उसमें आती है, उसको तो मिनिस्ट्री ऑफ सैलॉन्स दे देंगे आप? हाँ, मतलब इस तरह का कुछ तो, मतलब वो बहुत क्यूट है, क्यूट है, अकलमंद कोई नहीं है, अकलमंद नहीं लगती है, मतलब वो बच्ची भी है, बच्ची हो तो मानिया, तुम बच्ची हो। नहीं नहीं, हाँ मतलब यू नो, मुझे उसकी हरकतों चीजों से, मैं रील्स देखती रहती हूँ हानिया आमिर की, तो उसकी ना हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ वो बच्चे कंट्रोल करने वाले नहीं है, वो दे देते हैं ना फिर हानिया। आप डिसाइड करिए। नहीं, मैंने तो डिसाइड कुछ नहीं करना। अच्छा। आपने कहा है कि हानिया बच्चों बच्चों जैसी है, तो हानिया को कुछ बच्चों वाली मिनिस्ट्री, हाँ हम उसको कुछ इसी टाइप का देंगे। हानिया को वो दे देंगे, हानिया को आपको बच्ची लगती है वो। अहद रजा मीर, अहद रजा मीर, उसको हम क्या दे सकते हैं, नाम चेंज कर दें अहद का? अहद का नाम तो उसके माँ बाप भी चेंज ही कर सकते हैं। मेरे इख्तियार में नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। अहद का नाम भी चेंज करें, हमारे पास नहीं, मैं और ऑप्शन देते, पर अहद को कौन सी मिनिस्ट्री दे? अहद का नहीं मैं कुछ कह सकती, मतलब मेरे ख्याल से मैं, क्या आता है दिमाग में, मैंने उसको ज्यादा देखा ही नहीं है, कोई ड्रामा नहीं देखा उसका। मैंने नहीं, नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है वो सज्जल का, मतलब यू नो एक्स हस्बैंड, बट आपको ये पता है, मुझे इतना ही पता है। आपके अकॉर्डिंग टू मिनाहिल आपकी सिर्फ जो एक मशहूर होने की वजह वो ये है कि आप सज्जल के नहीं नहीं मुझे एक्स हस्बैंड है, आपको इन्होंने स्वाइप कर दिया, आपके नाम उनके लिए मिनिस्ट्री कोई नहीं आ रही। मूविंग ऑन, सना जावेद जो है, इनको क्या मिनिस्ट्री देंगे? इनको क्या मिनिस्ट्री देंगे हम? मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, नो सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ, वो एक है मैंने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ यू नो, हां क्या दे सकते हैं हम इनको, मिनिस्ट्री में भी ऑप्शन देना, एकदम से इतनी, मैंने दी है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स की भी देंगे, लेकिन मुझे सना बहुत अच्छी डिसेंट लड़की लगती है। अच्छा, ये आप ही अकेली जो पाकिस्तान में लगती है, आपको लगता है मुलाकात नहीं है? खैर, मैंने थोड़ी सी पूछा भी था किसी से, अच्छा, तो उसका भी यही सेम जवाब था जो आपका था, वो भी मिला नहीं होगा। अच्छा, उसका भी यही जवाब था जो मेरा जवाब है, सही है, काम किया हुआ था तो उसका यही जवाब था, सही है। तो खैर, वो
उसको हम जो आप कह रहे हैं वो भी दे सकते हैं। जो मैं कह रहा हूँ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो है सना जावेद को इन्होंने मिनिस्टर बना दिया मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का, उमर जसवाल को अगर आपने सना जावेद को तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स दे दिए, और आपने जसवाल को अगर कोई मिनिस्ट्री देनी हो कौन सी मिनिस्ट्री देनी? शराफत। हाँ मुझे लगता है शरीफ मर्द है। शरीफ मर्द है और आपको लगता है शरीफ मर्दों से यही होता है तो मर्द को थोड़ा बदमाश होना चाहिए। हाँ मतलब हर बंदे को उठा के तो नहीं देखूं क्या मतलब उसको, अगर आपने उसको नहीं देखा तो देखा किसको? आपने मिलियन फॉलोअर्स अभी अभी मैंने खैर उनकी एक पिक्चर देखी थी तब उनका इनके साथ। आपने क्या करना है, आपने इंस्टाग्राम पे जाना है और टाइप करना है उमर जसवाल। मुझे पता है और आप मतलब कि उसकी अभी लास्ट चार पोस्ट जिम की होती है तो एक पोस्ट काम की हो, मतलब एक वो अपने सिंगिंग की पोस्ट डालता है। सो आपने अगर उसको नहीं देखा हुआ और उसका तो जिम भी ही एज वन ऑफ द फेमस जिम इन इस्लामाबाद जो कि वो खुद वो चला रहे हैं। लड़की आपको फिट पसंद है और पाकिस्तान की फिट लड़कों का आपको पता कोई नहीं? नहीं पाकिस्तान की लड़की मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ ना। ये एक मसला है। शुएब मलिक को कौन सी मिनिस्ट्री देंगे? शुएब मलिक जुगतों वाली कोई मिनिस्ट्री मरासी मतलब क्या आपको कोई मरासी टाइप लगते हैं आपको? ऐसा लगता है कि वो मरासी है या मतलब मेरी उनके साथ एक मुलाकात भी है तो उसने मरास बना शुरू कर दिया तो मतलब वो आपस में जुगते बहुत लगाते हैं। अच्छा, शुएब वो आपस में बड़ी जुगते लगा रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ख्याल से सियालकोट या फैसलाबाद से कोई बिलोंग सारा उसको दे दें उसको मतलब आपने आपको भाईजान मिनिस्ट्री ऑफ जिंदगी में भी झुकते ही इसको आर्ट एंड कल्चर कहते हैं वैसे जिंदगी में भी झुकते ही मार रहे हैं वैसे वो जिंदगी में भी आप झुकते और चवले मार रहे हैं भाई के अकॉर्डिंगली तो ये चवले और जुते माना बस करे और इंसान बने अपने भी घर का ख्याल करें और दूसरों के घर का भी। अब सबको आपने दे दिया सानिया मिर्जा को अगर आपने मिनिस्ट्री देनी हो क्योंकि कुछ अरसे तक तो ये नेशन की भाभी थी तो क्या मिनिस्ट्री देंगी सानिया मिर्जा? सानिया मिर्जा को एक स्ट्रॉन्ग वूमेन जो होती है मतलब वो जो अच्छे काम कर सकती है मेरे ख्याल से उसको मोटिवेशनल कुछ हम दे सकते हैं वो लोगों को मतलब जिस तरह से उसने सारे मामलात को देखा तो मैं पहले मैं इतना नहीं उसको मैंने कभी देखा लेकिन मैंने कुछ उसके इंटरव्यू सुने कुछ बातें सुनी तो मुझे वो बड़ी अच्छी और डिसेंट। आपको लगता है कि सानिया मिर्जा इज अ डिसेंट लेडी? यस। और उन्होंने मुझे मुझे ऐसा लगता है उनको सिचुएशन को संभालना आता है जो ये सारा पर्सनल का मैटर था उन्होंने उसको बड़ा डिसेंटली और पावरफुल तरीके से उन्होंने उसको टैकल किया। एंड आपको मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि जितना क्योंकि आपने शोएब मलिक के ऊपर इतनी हेट्रेड दिखाई है सो आपको लगता है कि शोएब मलिक ने ये रायता सारा फैलाया है और उसको एक डिसेंट औरत से निकल के उसका लॉस है बिकॉज़ ही इज लॉस्ट अ डिसेंट लेडी फ्रॉम हिज लाइफ। ये पता नहीं रायता किसने फैलाया लेकिन आपको लगता है दोनों जैसे अब इकट्ठे हो गए अब जोड़ी सही बन गई रब ने बना दी जोड़ी अब एक जैसे दोनों जो है वो एक तरफ मेरे ख्याल से इसके बाद शुएब को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुएब को कहीं और जाने की मिलेगी नहीं आपको अपने सोल मेट जो है वो आपको फाइनली जो है मिल गया है। सो अगर फैशन इंडस्ट्री से वनीजे अहमद जो कि वेटरन आपकी मॉडल है वनीजे को अगर आपने कोई मिनिस्ट्री देनी हो तो कौन सी मिनिस्ट्री देंगे? हम उसको कौन सी मिनिस्ट्री देंगे? वॉक वॉक मिनिस्ट्री ऑफ वॉक क्योंकि वो रैंप वॉक करवाती हैं और हर BCW की वो मास्टर बनी होती हैं और वो रैंप वॉक कराती हैं। सो वनीजे को आपने रैंप वॉक दी थी।